अखिलेश मिश्रा जी जो हम लोग के माननीय मुख्य अतिथि हैं, एक नेक इंसान हैं, मुखलिस इंसान हैं, और मैं चाहता हूं कि एक बार इस्तकबाल करें, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि दो शब्द भी कहें और कविता भी पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। बड़े कंफ्यूजिंग आदमी हैं शंकर कैमूरी जी। एक तो शंकर भगवान कैमूर पे पैदा नहीं हुए थे, पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए। दो बार एकता पे मरे, फिर समझाने लगे कि नहीं मैं जिंदा हूँ अभी। बीच में कहने लगे कि हिंदू भी पिए मुस्लिम भी पिए, तो वहाँ तो कुछ और अर्थ निकला। उसके बाद उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया पूरा उठा। बड़े कंफ्यूजिंग आदमी हैं लेकिन बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। मैं वहाँ पीछे बैठ के सुन रहा था, हमारे कुछ पुलिस वाले भाई बैठे हैं उनके साथ बैठ के सुन रहा था, वो भी सोच रहे होंगे कैसा ये आदमी है, कहने को आइए सब बगल में बैठा था हमारे। खैर करी क्या लेंगे। तो एक शेर किसी ने कहा कि हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। मैं किसी सरकारी काम से लखनऊ आया था, लखनऊ वापस जा रहा था। हमारे बड़े प्यारे दमदार भाई साहब, इन्होंने इतना दम लगाया कि मैं 24 घंटे ज़्यादा रुक गया। अब मुझे रात भर चलना होगा, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगेंगे। लेकिन एक बात मुझे पसंद नहीं आई शंकर कैमूरी जी की, ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। इनको पता नहीं कि शायरी वरी सब बंद हो जाएगी जहां सब एक हो गए। जब थाने पे शांति सभा की मीटिंग होती है, मैं एक से एक दंगा प्रभावित इलाके में रहा हूँ, तो वहाँ यही होता है, खाली शायरी होती है, उसके बाद दरोगा जी मिठाई उठाई पकौड़ी उकड़ी खिलाते हैं और शांति कायम हो जाती है। और जीडी में लिख दिया जाता था कि शांति कायम हो गई, तो थोड़ा बहुत पुलिस वुलिस का काम जानते होंगे। और जो लोग उस मीटिंग में रहते हैं शांति कायम करने के लिए, उन्हीं पर नज़र हम लोगों की रहती है कि सब गड़बड़ यही करेंगे। शहरों शहरों खूरेजी में किसी का शेर है कि शैतानों का नाम न लो। शहरों शहरों खूरेजी में शैतानों का नाम न लो, इस साजिश में शामिल कोई इंसान भी हो सकता है। तो शंकर भाई ये रहने दीजिए, थोड़ा बहुत आपस में तो मज़ा आता रहेगा, तो आपकी कविता चलती रहेगी। लेकिन फिर भी चूंकि सरकारी टाइप का आदमी हूँ, तो दो लाइन में वही सुनाता हूँ जो मैं थाने पे सुनाया करता था कि आओ बैठे अमन की बात करें, आओ बैठे अमन अमन की बात करें लहलाते चमन, वाह वाह की बात करें, खून के आंसू ना रोए ये शहर, खून के आंसू ना रोए ये शहर, अजान हो हवन की बात करें, आओ बैठे अमन की बात करें। बड़ी समस्या ये हो जाती है कि जब आप मंच पे आते होते हैं फोन आ जाता है कि क्या हो रहा है, जहाँ पता चलता है कि शायरी में सोचते इससे बेकार कोई काम हो ही नहीं सकता। कह दिया जाए सर कि रात भर चल के हम पहुँच जाएंगे। हाँ अभी कह दूंगा, निकल के कह दूंगा, अभी कह दूंगा तो आगे सुना ही नहीं पाऊंगा। तो जब कभी ये होता है तो मैं एक शेर सुनाता हूँ, कहता सुनाता हूँ, उसकी दो चार लाइनें आपको सुनाता हूँ कि उसे, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके घर से फोन आ रहा है, कहाँ बकवास में बैठ गए, वापस आओ घर। उसे
अपने फसाने की पड़ी है। सवेरे स्कूल खुलेगा, बच्चे को पहुंचाना भी है। उसे अपने फसाने की पड़ी है, मुझे सारे जमाने की पड़ी है। उसे अपने फसाने की पड़ी है, मुझे सारे जमाने की पड़ी है। उसे अपने शेर देखिएगा कि ये बुलडोजर मकान तोड़े पड़ा है। हम जैसे अफसर जब पूरी इंक्रोचमेंट खाली करके आते हैं, तोड़ के आते हैं, तो बड़ी अपनी पीठ थपथपाते हैं थाने लौट के। लेकिन शेर देखिएगा, उस टूटे हुए दृश्य को देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, मेरा शेर सुनिएगा कि ये बुलडोजर मकान तोड़े पड़ा है, किसे एक घर बचाने की पड़ी है, किसे एक घर बचाने की पड़ी है। उसे अपने फसाने की पड़ी है, भुलाया है बड़ी मुश्किल से तुमको, वाह वाह, भुलाया है बड़ी, भुलाया है बड़ी मुश्किल से तुमको, तुम्हें फिर याद आने की पड़ी है। क्या क्या अच्छा शेर, तुम्हें फिर भुलाया है बड़ी मुश्किल से तुमको, तुम्हें फिर याद आने की पड़ी है। उसे सारे, और ये शेर देखिए, बहुत प्यारा शेर है। जब प्रेम होता है तो लोग क्या क्या सोचते हैं, उस सोच के पीछे से एक थॉट उठाता हूं कि अभी मैं कायदे से रूठ तो लूं, अभी मैं कायदे से रूठ तो लूं, अभी मैं कायदे से रूठ तो लूं, अभी से ही मनाने की पड़ी है। हाँ, अभी से ही मनाने की पड़ी है। उसे सारे, और एक घटना घटी बहुत प्यारी लखनऊ में। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि कुरान की 4-5 आयतें हैं, 10 आयतें, इनको निकाल बाहर किया जाए। और उस घटना के पीछे का जो कहानी थी, उस कहानी को मैंने अफसरों से ज़्यादा खुल्ला बोल नहीं सकता, लेकिन आपको समझ में आएगा। लेकिन तो आप बोल ही रहे कि अदालत अब गढ़ेगी आयतें क्या, अदालत अब गढ़ेगी आयतें क्या, किसे ये क्या जताने की पड़ी है, किसे ये क्या जताने की पड़ी है, कौन किसकी कहानी कब सुने है। या तो बहुत अच्छा माहौल है, क्या बात, इतने लोग सुनाने के लिए बैठे हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली कि कौन किसकी कहानी
कब सुने है सबको अपनी सुनाने की पड़ी है, सबको अपनी सुनाने की पड़ी है। और ये शेर लीजिए कि उसे मैयत से हमदर्दी नहीं है। अभी लखीमपुर हुआ, हमदर्दी नहीं है उसे, लखीमपुर हुआ तो सब लोगों ने पूछा कि किसके यहाँ जा रहे हो, किसानों के यहाँ जा रहे हो कि दूसरी पार्टी के यहाँ जा रहे हो, और सब लोग मातम मनाने जा रहे थे। वहाँ से शेर उठाता हूँ दो लाइन कि उसे मैयत से हमदर्दी नहीं है, उसे मैयत से हमदर्दी नहीं है, उसे मातम भुनाने की पड़ी है। हाँ, उसे मातम भुनाने की पड़ी है। और ये बड़ा प्यारा सा शेर है, जो ज्यादा भाव न देती है तो उसको आप सुना सकते हो कि है इनके सैकड़ों दीवाने हर सू, है तेरे सैकड़ों दीवाने हर सू, है तेरे सैकड़ों दीवाने हर सू, तुम्हें बस एक दीवाने की पड़ी है, वाह वाह वाह, तुम्हें बस एक दीवाने की पड़ी। और अभी आपने देखा होगा अखबारों में जगह जगह दीवारों पे लिख दिया गया मकान बिकाऊ है। उस तीन शब्द से मैंने एक शेर लिखा, और उसे आप सियासत का शेर कहिए, व्यवस्था का शेर कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन इसको ले जाइए कि मोहल्ले बट रहे हैं मजहबों में, वाह, मोहल्ले बट रहे हैं मजहबों में, मोहल्ले बट रहे हैं मजहबों में, किसे बस्ती बसाने की पड़ी है, किसे बस्ती बसाने की पड़ी है, उसे अपने फसाने की पड़ी।